हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में मैं साइंस के उन प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो 17 फरवरी 2021 को 10वीं के बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए हैं वो सभी का सभी प्रश्न फर्स्ट सेटिंग का है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं वो इस आंसर की सहायता से अपना आंसर मिला लीजिए और श्योर हो जाइए कि आपने एग्ज़ाम में कितने मार्क्स को अटेम्प्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये जो ग्रुप है, ग्रुप ध्यान से देखिएगा, जे ग्रुप है, इसमें सभी ग्रुप में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होंगे लेकिन क्वेश्चन सेम होंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में जो भी प्रश्न होंगे सारा का सारा कौन से सेट से होगा, जे सेट से होगा, ठीक है। जिनका जे सेट है उनका क्वेश्चन नंबर मैच करेगा, जिनका सेट जे नहीं है उनका क्वेश्चन नंबर मैच नहीं करेगा लेकिन क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है। तो आप अपने अपने सेट के हिसाब से इस आंसर को ज़रूर मिला लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तैलीय कागज़ होता है। तो देखिए, तैलीय कागज़ जो होता है वह पारभाषी होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए, आवर्धन का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ऊंचाई मापी जाए मीटर में, तो मीटर अपॉन मीटर जाएगा तो दोनों कट के हो जाएगा, ठीक है, वन। इसका मतलब है कि इसका कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रक विहीन। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो प्रकाश की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होगी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो देखिए, वायु की अगर हम बात करें तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात की अपेक्षा कम होगी, क्योंकि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वह अलग अलग होती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो वायु जो है वह निर्वात की अपेक्षा क्या है, अधिक सघन है। तो सघन माध्यम जब होगा तो प्रकाश का जो चाल होगा वह घट जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। आगे है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो देखिए, लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या होती है वह दो होती है, ठीक है। एक होता है लेफ्ट साइड और एक होता है राइट साइड। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत का अच्छा चालक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, चांदी, ठीक है। चांदी का केमिकल फॉर्मूला होता है Ag, ठीक है, यानी अर्जेंटम। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। देखिए, ऋण इलेक्ट्रोड का यहाँ पर कहने का मतलब होगा कि कैथोड किसका बना होता है, ठीक है। तो शुष्क सेल में जो कैथोड होता है वह होता है आपका कार्बन का। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एनोड पूछता तो एनोड बना होता है जस्ता का, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन। इलेक्ट्रोड जो होता है शुष्क सेल का वह कार्बन का बना होता है। एक जूल का मान कितना होता है। तो देखिए, एक जूल का जो वैल्यू होता है वो 0.24 कैलोरी होता है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग है। मैंने 2 घंटा 21 मिनट का एक वीडियो करा था, ठीक है। उसमें मैंने जितने भी प्रश्न करवाए थे, लगभग 200 प्रश्न थे उसमें। अगर आपने उन 200 प्रश्नों को अच्छे से डिस्कस किया होगा, अच्छे से कंप्लीट किया होगा, तो आप दोनों शिफ्टों में 40 नंबर लाने में एकदम कामयाब रहे होंगे, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि इन 200 प्रश्नों को यदि आप करते हैं तो आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। और देखिए, आप यहाँ पर खुद जब इसका एनालिसिस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि ये सारे का सारे क्वेश्चंस उसी वीडियो से हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिक होता है, ठीक है। तो विचलन की जब बात किया जाएगा तो जिस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है उसका विचलन अधिक होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैंगनी का, इसका मतलब है कि विचलन भी सबसे अधिक होगा किसका, बैंगनी का। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह अनंत होती है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए, समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वक्रता केंद्र पर रखा जाता है किसी भी वस्तु को, ठीक है। चाहे दर्पण कोई सा हो, चाहे लेंस ही क्यों ना हो, अगर समान आकार का आपको प्रतिबिंब चाहिए तो आपको कहाँ रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वक्रता केंद्र पर रखने पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है
वह वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी समान आकार का होता है। तो यहाँ पर भी कहा गया था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो वह हो जाएगा वक्रता केंद्र, यानी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो देखिए, होता क्या है कि हमारा जो वातावरण है, वायुमंडल है, इसका घनत्व जो होता है हमेशा एक जैसा नहीं होता है, टेम्परेचर चेंजिंग होने की वजह से, जिसके कारण क्या होता है, घनत्व में लगातार अंतर होता जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन होता है प्रकाश का, और इन्हीं वायुमंडलीय अपवर्तन के वजह से ही तारा जो है वह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, ठीक है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है वो होता है 1/10 सेकेंड, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, सीधा बनता है, ठीक है, ये एक याद रखिए। काल्पनिक प्रतिबिंब का नेचर होता है कि वह हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। और चूंकि दर्पण उत्तल है तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, इसका मतलब हो जाएगा सीधा और ह्रासित, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अवतल लेंस का आवर्धन का मान क्या होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि V/U इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, तो श्वसन की प्रक्रिया के बाद क्या बनता है? तो देखिए, श्वसन की जब प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दांत के सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो होता है एनामेल, और ये हमारे शरीर का सबसे मजबूत तत्व है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, ठीक है तो छोटा, लेकिन नाम तो छोटा है लेकिन सबसे लंबा भाग होता है आहार नल का, ठीक है, छोटी आंत बी करेक्ट आंसर होगा। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो मैंने न जाने कितनी बार इस प्रश्न को उस वीडियो में डिस्कस करा था, ठीक है। तो परागकण का जो निर्माण होता है वह पराग कोष में होता है, ए करेक्ट आंसर होगा। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, तो देखिए, चालनी नलिकाएं भोजन को चालन कराने वाली होती है, ठीक है, और भोजन का जो चालन कराता है वो कराता है फ्लोएम, अर्थात चालनी नलिकाएं किस में पाई जाएगी, फ्लोएम में पाई जाएगी, यानी सी करेक्ट आंसर होगा। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? तो आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है वो 0-20 से 120 दिन के करीब होता है, ठीक है, तो ऑप्शन में 120 दिन है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है वो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो यहाँ पर तंत्रिका के जगह पर न्यूरॉन दे दिया गया है, तो न्यूरॉन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो याद रखिएगा न्यूरल सेल जो होता है वो हमारे शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, यानी सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तो सी करेक्ट आंसर होगा। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? ये भी मैंने जब लास्ट में टेस्ट लिया था 80 क्वेश्चन का, जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित था, उसमें मैंने इस प्रश्न को दिया था, हालांकि वहाँ पर मैंने ऑप्शन में डिम्ब वाहिनी दिया था और यहाँ ऑप्शन में फैलोपियन नलिका है, तो मैंने उसमें डिस्कस करा दिया था आप लोगों को। तो अंडाणु निषेचित कहाँ होगा? फैलोपियन नलिका, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो नरम लोहे का, ये भी प्रश्न उस लास्ट 80 जो क्वेश्चन करवाया था उसमें था, ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इसमें गतिशील कण हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, डी करेक्ट आंसर होगा। और यदि यहाँ पर रहता है विलयन रहता तो आयन होता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम है, तो ओम के नियम के हिसाब से आप जानते हैं कि V=IR इसका होता है रिलेशन, ठीक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न जाने कितनी बार इसको मैंने उस वीडियो में रिपीट करा होगा, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट, यानी डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो देखिए एमीटर जो होता है किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने का काम करता है, तो चूँकि अगर इसका अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या होता है, काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होने के वजह से क्या होता है, ये आसानी से विद्युत धारा को मापने का काम करता है, तो डी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो फिलामेंट जो होता है वह टंगस्टन का बना होता है, अगर तार पूछ लेता है तो तांबा का होता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन।
नेक्स्ट है रियल एस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। तो रियल एस्टेट जो होता है परिपथ में धारा के का जो परिमाण होता है उसमें वृद्धि या कमी को नियंत्रित करता है। तो सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। बुझा हुआ चूना, तो देखिए जब चूने पर अगर हम लोग वाटर डाल के रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो अगर हम भस्म की बात करें तो देखिए इसमें NaCl जो है वह लवण है, ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं। तो NaCl जो है वह लवण है, भस्म नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जस्ता का अयस्क क्या है। तो जस्ता का अयस्क हो जाएगा आपका जिंक ब्लेड, ठीक है। सीनेबार पाड़ा का होता है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिंक ब्लेड। सिलिकन है क्या। तो देखिए सिलिकन जो है यह एक उपधातु है, ठीक है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलिकन है। अच्छा रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है एल्कोहल में कौन सा तत्व तो उपस्थित नहीं है। तो देखिए अल्कोहल जो होता है उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेथेनॉल मेथेनॉइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए मेथेनॉइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल, और ये चींटी या फिर मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें पाया जाता है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल वर्णक में पाया जाता है मैग्नीशियम। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस भी बच्चों ने मेरा वीडियो देखा होगा प्रीवियस का, साइंस में एक भी प्रश्न नहीं छूटा होगा उनका, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव ही मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैंने करवाए थे, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। तो आपका फ्लोएम और जाइलम दोनों जो है वह संवहन उत्तक है। तो इसके हिसाब से डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो देखिए प्रोटोजोआ में जो होता है उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन जो होता है वह विसरण क्रिया द्वारा होता है, ठीक है। प्रोटोजोआ ही नहीं, निम्न श्रेणी के जितने भी जीव होते हैं इनमें कोई भी पदार्थ का जो उत्सर्जन होता है वह विसरण क्रिया के द्वारा शरीर के सतह से होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, यानी कि लीवर। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन जो बनाए रखता है वो होता है सेरिबेलम, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण होता है। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वह पुरुषों में क्या होता है शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, और एस्ट्रोजन जो होता है वह महिलाओं में। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो चार होते हैं, यानी बी करेक्ट होगा। रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। तो देखिए जीन शब्द जो है वह जोहानसन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वे कहे जाते हैं धातु। बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि धातु जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव आयन बनाता है। तो बी करेक्ट आंसर होगा। लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो लोहे पर जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है यसद लेपन, यानी कि गलवनीकरण, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलवनाइजेशन, यसद लेपन, ठीक है, जस्तीकरण, ये सब अलग अलग नाम है। तो ऑप्शन में गैल्वनीकरण है, तो आप गैल्वनीकरण को टिक आउट करे होंगे, तो आपका आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो सहसंयोजी जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके यौगिक बनाते हैं उन्हें सहसंयोजी यौगिक बोला जाता है। तो मिथेन जो होता है वह एक प्रकार का सहसंयोजी यौगिक है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। आभूषण बनाने वाले सोने जो होते हैं वह कितने कैरेट का होता है। तो आभूषण बनाने के लिए जो सोना का यूज करा जाता है वो होता है 22 कैरेट का, ठीक है। और इससे शुद्ध सोने की जब बात करेंगे तो 24 कैरेट का होता है, है ना। तो 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे आभूषण नहीं बनाया जाता है, उसमें मात्र 22 कैरेट सोने का ही प्रयोग किया जाता है, और शेष तांबा मिला दिया जाता है।
निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट कहने का मतलब हो गया नोबेल वर्क, ठीक है, नोबेल तत्व कौन है, तो इसमें आप ऑर्गन जो है वह आपका नोबेल तत्व है, सी करेक्ट आंसर होगा। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? यानी तांबा और टीन का मिश्र धातु जो होता है वो होता है आपका कांसा, ए करेक्ट आंसर होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O यानी हाफ हाइड्रेट। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लवण बनाता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वनस्पति तेलों में होता है, तो वनस्पति तेल जो होता है वह लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले होते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव हैं? तो देखिए ब्यूटेन के अगर समावयवी की बात करें तो ब्यूटेन के 2 समावयवी होते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का, दोनों मैंने यहाँ पर बता रखा है। चलिए अगला देखते हैं। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीफ के आवर्त वर्गीकरण में जो आधार था वह था बढ़ता परमाणु द्रव्यमान, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला होता है NH3, ठीक है, तो NH3 यानी कि नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1:3। निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो द्रव की जब बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका एथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल, दारू जो होता है वह आपका क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि सी करेक्ट आंसर होगा। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए सिरका में जो होता है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सिरका को विनेगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा इंग्लिश में, ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? तो देखिए कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट, हीरा और फुलेरीन, तो इसमें 3 ऑप्शन में दिया गया है, तो डी करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहा जाता है समावयवी, ठीक है, आइसोमर्स, ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन भी है, ऑक्सिन भी है, लेकिन ऑक्सीटोसिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, यह जंतु हार्मोन है और खास करके ये दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन उत्तरदायी होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूल में नर प्रजनन अंग है, तो नर प्रजनन अंग हो गया आपका पुंकेसर, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो अमीबा में होता है द्विखंडन, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है, लेकिन यीस्ट में नहीं होता है, यीस्ट में जो होता है वो मुकुलन होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है सूर्य का प्रकाश, बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है, ठीक है, किनको? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे हैं जो सीधे सीधे मेरे उस वीडियो से आए हैं, ठीक है। चलिए अगला है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो देखिए गुणसूत्र की कुल जो संख्या होती है वह 46 होती है, ऑप्शन में नहीं है, तो आप 23 आंसर अगर लगाए हैं तो आपका आंसर सही है। गुणसूत्र की जो संख्या यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन टाइप करने में मिसिंग हुआ होगा, यहाँ पर इनको युग्म ऐड करना चाहिए था या जोड़ा ऐड करना चाहिए था, या तो क्वेश्चन में या तो ऑप्शन में, ठीक है, इन्होंने नहीं किया है, फिर भी इसका आंसर आप अगर बी लगाए हैं तो सही है, आपका आंसर बी करेक्ट आंसर होगा। ओजोन परत पाई जाती है, तो देखिए ओजोन परत जो होता है वो किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी कि समताप मंडल में पाया जाता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है, ठीक है, तो देखिए माइक्रो का मतलब होता है 10^6 यानी 10^-6, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिली रहता तो 10^3, नैनो रहता तो 10^9, पीको रहता तो 10^12, फेमटो रहता तो 10^15 और एटो रहता तो 10^18, यहाँ पर माइक्रो कहा है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 10^6 एम्पियर, 10^-6 एम्पियर। डीजल का उपयोग होता है तो भारी वाहन में होता है, रेल के इंजन में भी होता है, विद्युत उत्पादन में भी होता है, यानी डी इसका करेक्ट भी।
सौर सेल में सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो देखिए सौर सेल जो होता है ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डी करेक्ट आंसर होगा। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो एटॉमिक नंबर जो होता है सोना का 79। सी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण वैसी अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो दहन के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, श्वसन के लिए भी ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, और भोजन के पाचन के लिए भी, लेकिन अवक्षेपण के लिए नहीं। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो 2 होती है। ठीक है, चूँकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और ऑक्सीजन का जो बाह्यतम कक्षा होता है इसमें मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अष्टक नियम को पूरा करने के लिए, फॉलो करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अर्थात वही 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अम्ल वर्षा के लिए जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वह 5.6 से कम होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं एक गुजारिश ज़रूर करूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, ताकि वह संतुष्ट हो लें कि उन्होंने कितना मार्क्स सही किया है अपने एग्जामिनेशन में। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह भी प्रश्न उसी लास्ट टेस्ट वाले वीडियो से है जिसमें मैंने 80 प्रश्न एग्जाम बेस्ड कराए थे। तो चूँकि चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है यानी कि फॉर्मिक अम्ल, तो ऑप्शन में फॉर्मिक नहीं है, मेथेनोइक अम्ल है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का वीडियो लेकर के। धन्यवाद।